अर्थ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन है थर्ड मोस्ट एक्चुअली थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनोजेंस इनको साथ में कलेक्टिवली ऑर्गेनोजेंस बोलते हैं विच फ्रॉम दब ऑर्गेनिक लाइफ दैट इज प्लांट्स एनिमल्स एंड एवरीथिंग एल्स स्टार्टेड मतलब हर एक लिविंग बींग्स में ये चार एलिमेंट्स तो तुम्हें मिलेंगे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन कंस्टिट्यूट ओनली जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज वेरी लेस म्स इन न्यूमरेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारे ठीक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओवर फोर लैक कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव बीन नोन एक्चुअली ये गलत है ये जो नंबर है इट इज फिफ्टी लैख

टरी में कुछ एग्जाम्पल जहां पे कार्बन पाया जाता है फ्यूल तुम्हारे फ्यूल में कार्बन होता है क्लोथिंग तुम जो कपड़े पहनते हो चाहे वो सिंथेटिक हो या नेचुरल हो सिंथेटिक फाइबर मींस नाइलॉन पॉलिएस्टर रेयॉन ये सब सिंथेटिक फाइबर्स है जो तुम्हारा स्पोर्ट्स मटेरियल का जर्सी होता है दैट इज सिंथेटिक फाइबर बट कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं जैसे वूल जैसे कॉटन ठीक है सिल्क दीज आर नैचुरल फाइबर्स ये सब में कार्बन होता है मतलब कोई भी तुम कपड़ा पहनो उसमें कार्बन होता है ठीक है फूड जो तुम खाना खाते हो चाहे वो फैट्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन्स हो या विटामिन हो कहीं ना कहीं वो कार्बन से एसोसिएटेड या कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं हर्बल मेडिसिन हर्बल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो फ्रॉम कार्बन कम्पाउंड वी हैव टू डिपेंड एंटायरली ऑन कार्बन कंपाउंड वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रन फैक्ट्रीज इज कार्बन बाउंड सच एस कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कोल भी तो कार्बन से बना है जो हमें एनर्जी देता है ये लाइट इस कोल मतलब थर्मल पावर प्लांट से बनती है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है बाय बर्निंग कोल so carbon occurs free in free as well as in combined states in nature diamond graphite and coal are the free states of carbon diamond is the purest form of carbon whereas graphite is somewhat less pure coal is impure form of carbon in which percentage of carbon varies from 60% to 90% so हमें तीन आ, ऐसे कंपोनेंट्स है जिसे कार्बन जिसमें कार्बन पाया जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट में डायमंड ग्रेफाइट एंड कोल ये फ्री स्टेट्स है जिसमें कार्बन मिलता है डायमंड लुक्स नथिंग लाइक कार्बन लाइक ब्लैक और एनीथिंग बट इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट सम वॉट लेस प्योर ऑफ कार्बन लेस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है और कोल कंप्लीटली इमप्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है But coal can be converted into coke. You know what is coke? Coke is 99%, ninety-nine percent ninety-nine point nine nine percent pure carbon. Very much pure. Okay? So by fractional distillation of coal, coke is obtained. कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन सॉलिड स्टेट में एनिमल्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स में कार्बन पाया जाता है सच है सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स जो हम लोग इंटेक करते हैं खाना ये सब सब में कार्बन होता है एंड दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इट अकर्स एज मिनरल सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोनेट फाउंड इन नेचर आर लाइम मार्बल और मैग्नेशियम कार्बोनेट डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नेशियम कार्बोनेट एंड कैलेमाइन इज जिंक कार्बोनेट ये सब में सॉलिड स्टेट में कंबाइंड फॉर्म में कार्बन पाया जाता है सो दीज आर ऑल द केमिकल्स जहाँ पे कार्बन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बट इन कंबाइंड फॉर्म देन इन लिक्विड स्टेट पेट्रोलियम इज अचर ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टेट इट कंसिस्ट ऑफ पेट्रोलिन ऑयल डीजल फरनेस ऑयल मोबिल ऑयल ग्रीस एंड वैक्स मतलब जो पेट्रोकेमिकल प्लांट होते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम में से सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग किया जाता है और हम जो पेट्रोल डीजल ये सब यूज करते हैं वो यहाँ से मिलता है

मीथेन का दूसरा नाम है मार्श गैस सी एच फोर उसका फॉर्मूला है पेट्रोलियम गैस ये जो नेचुरल गैस होता है ये भी तुम्हें पता होगा सी एन जी सी एन जी पता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है वो भी कंबाइंड स्टेट में उसमें कार्बन होता है एंड कोल गैस ऑल्सो कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड इन द गैशियस फॉर्म तो ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि कार्बन कंबाइंड स्टेट में सॉलिड लिक्विड और गैशियस स्टेट्स में कौन से कंपाउंड्स में पाया जाता है उसके बाद है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन अब ये एलोट्रोप क्या है तुम्हें पता है एलोट्रोप्स क्या होता है नहीं स्कूल में क्लास करते हो बताया होगा ना मैम ने नहीं याद है? मैं आता हूँ वहां पे Allotropes are the elements, uh, same elements, having same chemical properties but different.

यहां पे एलोक्ट्रोप्स के बारे में क्यों बताया है आई एम टेलिंग यू कार्बन इज सच कंपाउंड विच हैज मेनी एलेक्ट्रोप्स एंड टू ऑफ इट्स वेरी फेमस एलेक्ट्रोप्स आर डायमंड एंड ग्रेफाइट केमिकली दोनों सेम है दोनों किससे बने हैं कार्बन एटम्स से ग्रेफाइट किससे बना है कार्बन एटम्स ग्रेफाइट कहाँ पे होता है तुम्हारी पेंसिल की जो लीड होती है ना अंदर उसके अंदर ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट से बना है और डायमंड इज यू नो द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड ऑल्सो वेरी शाइनी एंड इट इज इट इज वेरी ब्राइट एंड शाइनी लाइक द लाइट इट शाइन्स वेरी ब्राइटली वन लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट No carbon se bana. They both are made up of carbon. But they are entirely different in their physical properties. Diamond is uh, shiny and transparent. Graphite is opaque. Also, a little shiny, you can say, but uh, it is opaque. It does not allow light to flow through it, to pass through it. I am sorry. डायमंड हार्ड इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नोन टू ग्रेफाइट इज ब्रिटल ब्रिटल मतलब पेंसिल का निप देखा कैसे टूट जाता दोनों कार्बन से बने बट दोनों की प्रॉपर्टीज देखो एकदम एक दूसरे एक से अलग सो वॉट आर दे दे आर एलोट्रोप्स ऑफ इच अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक्चुअली ठीक है uh, और भी प्रॉपर्टीज है डायमंड की इनके स्ट्रक्चर में बहुत ही डिफरेंस है अभी हम लोग को समझ में आएगा ये तो दो मैंने सिंपल प्रॉपर्टीज बताई थी सो इट हैज बीन फाउंड दैट कार्बन हैज अ नंबर ऑफ फिजिकल फॉर्म्स सच एज डायमंड ग्रेफाइट कोक चारकोल दीज वाइडली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हाउ एवर इफ वी बर्न देम इन प्योर स्टेट इन ऑक्सीजन इट इज फाउंड दैट एवरी ट्वेल्व ग्राम ऑफ दीज सब्सटेंस विल प्रोड्यूस फोर्टी फोर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड remember this underline or note it down if we burn them in pure state in oxygen it is found that every 12 gram of these substances will produce 44 grams of carbon dioxide it is another matter that some may burn readily and others slowly so we can say that their chemical properties are similar the different physical forms

तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फिजिकल कंडीशन की वजह से एलोट्रोप बनते हैं डायमंड यू you नो know, डायमंड कहां पे मिलता है वेयर इज डायमंड फाउंड कोल माइन्स यू आर राइट जहां पे कोल माइन्स होते हैं ना उसके अंदर कभी कभी डायमंड मिल जाता है सो इट इज वी मीन्स वी कैनॉट से कहां पे कौन सा डायमंड कब मिलेगा क्योंकि कोल ही अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है उस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है एंड ग्रेफाइट इज फाउंड इन डिफरेंट कंडीशंस ग्रेफाइट भी अर्थ के नीचे ही पाया जाता है बट इन डिफरेंट कंडीशंस तो क्योंकि फिजिकल कंडीशंस अलग है इसलिए मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है और इसलिए ये एलोट्रोप्स बनते हैं ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस

कौन सा कार्बन का एलोट्रोप क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है क्रिस्टल जैसा दिखता है डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और एमोरफस फॉर्म में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है शेप हम दे सकते हैं उसको they कट और ब्रोकन melting आर नॉट सिमिलर एंड amorphous

बनाना है बुक में अभी नहीं बट मैं जब पढ़ा दूंगा तब ये पहले ही ये बना देना ताकि तुम्हें पता चले कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन के कौन से कंपोनेंट्स कौन से फॉर्म्स हैं और एमोरफस फॉर्म में कौन से टाइप्स के कार्बन के एलोट्रोप्स हैं सो so, डायमंड इंडिया में इन आर फाउंड इन द माइंस ऑफ पन्ना इन मध्य प्रदेश एंड गोलकोंडा इन तेलंगाना Diamonds are found in South Africa, Brazil, Russia, and United States of America also. So earth contains molten magma. Hai diamond. Bante kaise. Sometimes carbon present within the earth dissolves in molten magma. When molten magma containing dissolved carbon is pushed up towards the surface of earth, it solidifies.

where one carat is 0 0.2 grams following are some of the world famous diamonds mined from golconda in telangana kohinoor you know kohinoor original weight was 186 carats 186 carat is around uh, in times 0.2 so approximately one-fifth of 186 that is uh, 36 around 36 grams later cut, cut to 106 carats pit weighs 136.25 carats and nizam weighs 277 carats so nizam is the biggest diamond actually Physical properties of diamond. It is the hardest naturally occurring solid. Among the diamonds, the black diamond are the high hardest. Subse hard hai, black diamonds. Pure diamond is colorless, transparent, and brittle solid. Pure diamond is transparent to X-rays and visible light. The density of pure diamond is 3.5 gram per centimeter cube.

Artificial diamonds were prepared by a French chemist, Mo Moissan, in 1886. He melted a mixture of sugar, charcoal, and iron in an electric furnace till a temperature of 4,000 degrees Celsius. At this temperature, the iron boiled and dissolved sugar, charcoal in itself. He poured the boiling mixture in cold water to form a solid mass of iron and carbon. He removed iron from this mass by dissolving it in हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द रिमूवल कार्बन अमेरिकन डायमंडन डायमंडफि नॉट नेली अगरिंग इसके यूजेस देखियो प्रेशियस स्टोनोर्स ज्वेलरी में यूज होता है बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव उसको प्रॉपरली कट और पॉलिश करके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं

ग्लास के शॉप में अगर तुम गए हो तो ग्लास को कट करने के लिए एक टूल होता है उसमें डायमंड होता है ऊपर एज एज इन वॉचेस टिप्स ऑफ टूल्स फॉर कटिंग वेरी हार्ड मेटल्स डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग डायमंड एंड आर एज नीडल्स फॉर लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड प्लेयर्स तो ये सारे डायमंड के यूजेस हैं देखो यहां पे क्या बोला है the colorless and transparent diamonds are the costliest however if there were specks of impurities their value decreases sometimes while crystallizing in nature small traces of metallic oxides dissolve in diamonds which impart them a distinct color the colored diamonds are called gems gems for the karnevala gem's thing it is if a small amount of chromium oxide dissolves in diamond, its color becomes green. It is commonly called emerald. Similarly, we have topaz and rubies. However, if copper oxide is present in diamond its color changes to black. The black diamond have no gem value but can be put to industrial use for cutting and all. So this is some extra information. Iske baad graphite bataya hai vast amount of graphite occur naturally in sri lanka and siberia. small deposits are found in italy, canada, Madag madagascar, mexico and united states of america. it is prepared artificially by heating powdered coke mixed with little sand and ferric oxide in electric furnaces. in graphite the carbon atoms are arranged in the form of hexagonal rings in flat planes. see how graphite looks like. फ्लैट प्लेन ऐसा हेक्सागोनल डायमंड कैसा था पिरामिड शेप था उसका इसमें फ्लैट रिंग्स है और ये फ्लैट रिंग्स होने की वजह से दीज फ्लैट रिंग्स स्लाइड ऑन ईच ग्रेफाइट इज वेरी स्मूथ एंड इट इज ऑल्सो यूज एज लुब्रिकन एंड वेरी इजी टू ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ब्रिटल होता है बहुत ज्यादा ईजी टू ब्रेक So, such that the rings are stacked on one another. Each carbon atom in the hexagonal ring is attached to three carbon atoms in the same plane. The fourth valence electron of each carbon atom remains loose between the hexagonal planes. This loose fourth electron of each carbon atom imparts properties of heat and electrical conductivity.

it is a good conductor of heat and electricity because of one valence electron it is insoluble in ordinary solvents ठीक है सो so, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैं लिख रहा था डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस सारे प्रॉपर्टीज यूजेस देखो पेंसिल की लेड में यूज होता है एक्चुअली ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिक्स करके फिर पेंसिल में बनाते हैं वो लोग यू माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ कोड्स ऑन पेंसिल बी टू बी एच बी एच टू एच इसका मतलब पता है क्या है करेक्ट है बी का मतलब होता है ब्लैक टू बी मतलब डार्क ब्लैक बी और टू बी में बहुत ज्यादा ग्रेफाइट होता है और क्ले कम होता है एच बी मीन्स हार्ड ब्लैक जिसमें क्ले और ग्रेफाइट दोनों मिक्स होता है ज्यादा एच होता है सिर्फ हार्ड ग्रेफाइट बहुत कम होता है क्ले ज्यादा होता है और टू एच में बहुत कम ग्रेफाइट होता है इफ यू राइट विथ टू एच योर पेपर कैन टेयर क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होता है एंड कैन टेयर योर पेपर सो वो सिर्फ लाइट शेडिंग के लिए यूज होता है टू एच और टू बी डार्क शेडिंग के लिए यूज होता है सो दिस इज फॉर पेंसिल इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोर ओवर ड नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड आल्लीस सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड अल्कलीज इट इज ऑल्सो यूज एज ड्राइ ल्यूब्रिकेंट ग्रेफाइट पाउडर सस्पेंडेड इन ऑयल इज यूज एज ल्यूब्रिकेंट इन दो पार्ट ऑफ मशीनरी वेयर ऑयल कैनॉट बी अपलाइड heat resistance crucibles graphite is mixed with clay and is molded and baked to form crucibles you know what are crucibles crucible is a like a bowl and it is used to uh, store some things which are heated a lot or molten in molten state like molten metals they have very high temperature so they are placed in crucibles or a crucible graphite ka banta hai because they are heat resistant सो दीज क्रूसिबल्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू क्ले एंड आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू ग्रेफाइट देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट यूज होता है uh, ये थोड़ा सा टेक्निकल है न्यूक्लियर रियक्टर वाला इसमें यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है थोरियम वो भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये स्प्लिट होके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं बट ये न्यूट्रॉन्स बहुत एक्सेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं तो ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रेफाइट यूज होता है नहीं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो ग्रेफाइट दे एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर पता है क्या होता है क्या होता है इट्स वेरी टेक्निकल

एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फुलरनेस। इसमें थर्टी से लेकर नाइन सिक्सटी आइटम्स हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में इसको बोलते हैं फुलरनेस और ये ऐसा जैसा दिखता है, स्फेरिकल शेप होता है फुटबॉल जैसा इसमें हेक्सागन पेंटागन ऐसे अल्टरनेट शेप्स के रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके पूरा एक स्फियर बनाते एक बहुत ही फेमस फुलरनेस है बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलरीन आल्सो ऑकर्स नेचुरली इन डस्ट बिटवीन स्टार्स एंड सम कार्बन रिच रॉक्स इन बकमिंस्टर फुलरीन ईच मॉलिक्यूल हैज 60 एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागंस एंड पेंटागंस दिस इज बकमिंस्टर फुलरीन

मॉलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड उनसे भी पहले ये आर्किटेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करता था उसका नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर उसके नाम के ऊपर ये मॉलिक्यूल का नाम दिया गया बकमिंस्टर ठीक है सो so, नाइन पॉइंट वन तुम्हें अभी खत्म करना है तुम लोग कब से आए थे तो घर पे भी कर सकते हो ठीक है बट कल कर कल नहीं मैं मंडे शायद एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो कर करके आना है जा सकते नाइन पॉइंट वन एट एज होमवर्क